अस्सलाम वालेकुम। सो इन दिस वीडियो आई विल गाइड यू अबाउट हेड एंड नेक। और इसके फर्स्ट पार्ट आप लोगों को मैं गाइड कर चुका हूँ, फर्स्ट 10 चैप्टर्स की। अब इसके ऑनवर्ड में गाइड करूंगा। आज मैं इसमें गाइड में आप लोगों को टॉपिक का नेम लूंगा और साथ बताऊंगा ये वाला आप लोगों ने हेडिंग और सब हेडिंग करनी है या नहीं करनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द चैप्टर नंबर 11, सब मैंडिबुलर रीजन। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट मैं बताता जाऊंगा कि क्या इसमें से करना है क्या नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, just give it a read. Suprahyoid muscle, yes, suprahyoid muscle is important. Relation of the posterior belly, relations are not important, so I am going to skip all the relations. Jab aayenge main batata dunga relations nahi karna hai. So next is submandibular salivary gland, yes it is important. Next agar hum dekhe to aa jata hai iska superficial and the deep part, to ye aap logo ko pata hona chahiye, but relations karne ki zarurat nahi hai. Then we will go to the submandibular duct. It is very important. It is repeatedly asked in MCQs. You should know about everything. ये किधर open होती है, इसके duct किस nerve को pass करती है, इस duct का pathway क्या है? It is SCQ question as well as MCQs question. So you should know about the blood supply as well. Lymphatics is not very important. Nerve supply, yes, you should know about its nerve supply. Its nerve supply is really very important, and you should know everything about it. Then sublingual salivary gland, yes, give it a read. Submandibular ganglion, there are 4 ganglion in your head and neck section, so you should know about each and every ganglion. It is very important because it is repeatedly asked in MCQs. Different tarah se iske MCQs puche jaate hain ki iski parasympathetic, sympathetic, iski location, everything can be asked. So aap log ko ye submandibular ganglion aana chahiye. So next hum dekhte hain chapter number and 12, deep structures in the neck. So you should know about these contents. These contents are important. Then you should know about the thyroid gland. Thyroid gland is important. अब इसमें जो relations आएंगे वो आप लोगों ने करने हैं. Thyroid gland के relations important है. Situation and the event. So extent. So you should know about the situation and the extent, because this is important, because ये पूछा जाता है केस की situation क्या है और इसके एक्सटेंट क्या कहाँ से कहाँ तक करता है। देन ये इसके रिलेशंस दिया गया है, एपेक्स द लैटरल। यू शुड नो अबाउट दीज रिलेशंस बिकॉज़ ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को स्केच होना चाहिए। यूज एटलस, आई रिपीट, एटलस इज अ की टू सक्सेस इन एनाटॉमी इन बोथ एब्डोमेन, ब्रेन में भी मैं कहूंगा, हेड एंड नेक में भी। हेड एंड नेक विदाउट एटलस आप लोगों को नहीं समझ आएगी। अच्छी एटलस लें, नहीं है तो इंटरनेट यूज करें, उधर से एटलस से देखें तस्वीरें। एटलस बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे आपको रिलेशंस हमेशा याद रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इसकी आर्टीरियो सप्लाई। यस, यू शुड नो अबाउट द नेम्स ऑफ दिस आर्टरीज, लाइक सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और ये सारी आर्टरीज के नेम्स आने चाहिए। वीनस ड्रेनेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसके नेम्स भी आने चाहिए, और ये ओरिजिनेट किधर से हो रही है, कौन सी वेन, ये भी आना चाहिए। तो वीनस सप्लाई इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड, लिम्फेटिक्स भी देख लीजिएगा एक बारी, give it a read. अंदर इसमें एक शायद पेज मिसिंग है, वो पैराथायरॉयड ग्लैंड का पेज मिसिंग है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड में क्या होना चाहिए, आपको पैराथायरॉयड की लोकेशन कैसे पता लगती है उसका पता होना चाहिए, सो इट इज इम्पोर्टेंट। देन वेस्कुलर सप्लाई एंड नर्व सप्लाई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन थाइमस, थाइमस इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू कैन लीव इट। नेक्स्ट इज ब्लड वेसल, यस, द क्लेवियन आर्टरी इज बिट इम्पोर्टेंट, तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ब्रांचेज में इनके नेम्स अच्छी तरह आने चाहिए, ब्रांचेज के सबके डिटेल इतनी अच्छी बेशक ना आती हो, वर्टेब्रल आर्टरी अच्छी तरह आनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी को देखते हैं। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे है ये जो थायराइड थायरोसर्वाइकल ट्रंक, सो थायरोसर्वाइकल ट्रंक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी अच्छी तरह करनी है। फिर हम आते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी पे। कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह करना है जो जो इसमें दिया गया, एक्सेप्ट रिलेशंस, रिलेशंस नहीं करने। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी करनी है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पे आते हैं सबक्लेवियन वेन, सो यू शुड नो अबाउट सबक्लेवियन। ये देखिए पीट्रस पार्ट है, ये कैरोटिड आर्टरी का कवर्नस साइनस का पार्ट है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का। सो आप लोग को ये सारे पार्ट्स के पता होना चाहिए। सबक्लेवियन वेन का भी आप लोगों ने देख लिया। तो इसके बाद इंटरनल जुगुलर वेन,
and brachiospheric vein, just give it a read. Relations बिल्कुल नहीं करना, just give it a read और बस इसको अपने शॉर्ट लिस्ट करते जाए. जो चीजें मैं कह रहा हूँ जो रीड करनी है आप लोग, उसमें सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि उनको एक बार रीड करें, उनको रजिस्टर पे शॉर्ट लिस्ट कर लें या उनके स्टिकी नोट्स बना लें. बार बार उधर से रीड करने से बेहतर है साथ उधर से करें. आई विल प्रेफर कि स्टिकी नोट्स साथ साथ लगा लें. स्टिकी नोट्स से पढ़ेंगे जल्दी जल्दी रिवाइज होता जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिवाइज हेड एंड नेक, यू हैव टू रिवाइज एब्डोमेन, यू हैव टू रिवाइज पेल्विस, न्यूरोएनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी. So it is inhuman thing to revise everything in such a short time agar aap main book se kare. So if you want to revise it so efficiently, so you have to prepare it in a good manner, or smart study is very important. So next is cervical part of the sympathetic trunk. So just give it a read, not important. Relations to bilkul bhi nahi karne. Ganglia ke liye I will prefer yahan pe aage table hai, bas ye table kar le, it will help. Cervical plexus is important. Sari branches aapki fingertips pe honi chahiye. It is very important. So you should know about it. Phrenic nerve, yes, you should know about the region. You should know about the course a bit, little bit. Zyada nahi, beshak ye chhod dein. Phir cervical part of the trachea. Trachea is not important. I again repeat, it is not important. Next hum dekhte hain. Humare paas ye hai superficial circle, submental node, submandibular node and buccal node. ये तीन nodes MCQs repeatedly पूछे जाते हैं और ये आप लोगों को अच्छी तरह MCQs आने चाहिए, because ये इसमें confusion होती है. आप लोग ये सारे nodes एक बारी अपने Wikipedia या किसी जगह किसी भी internet source से लाजमी पढ़िएगा, उधर से आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे. बाकी नोट्स भी आई विल से के एक बार ये आप लोग पढ़ लें, बिकॉज बाकी नोट्स का पढ़ने का ये फायदा होगा जो मैं पीछे लिम्फेटिक्स आप लोग को कह रहा हूँ कि ये आप लोग ना याद करें, तो ये अगर नोट्स आप लोग कर लेंगे तो आपको उनकी लिम्फेटिक्स का खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा. अगर बिलफर्ज आ भी जाती है तो आप लोग एटलीस्ट कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि इस रीजन में से इसने लिम्फेटिक्स, यहाँ पे लिम्फेटिक्स ड्रेन होनी है. तो ये सब मेंटल से मैंडिबुलर आई रिपीट और मैंडिबुलर नोड ये आप लोग के फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इनकी लोकेशन ये किधर से लिम्फ ड्रेन करते हैं. डीप सर्कल भी एक बार रीड कर लीजिएगा. देन एसोफेगस, एसोफेगस में इसकी कॉन्स्ट्रिक्शंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो अबाउट द कॉन्स्ट्रिक्शंस. इधर नहीं लिखी होगी अगर तो आप लोग कहीं से देख लीजिएगा कि कितने सेंटीमीटर पे कौन सी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है और किसकी वजह से होती है. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सेकेंड ईयर एज वेल. लिम्फ नोड्स ऑफ द हेड एंड नेक, तो ये एज सच मैंने आप लोग को बताया, सिर्फ नेम्स एटलीस्ट यूज करते हैं. सिक्लीनी मसल्स, तो सिक्लीन मसल्स जो हैं आप लोगों को इनके नेम्स अच्छी तरह आने चाहिए. नर्व सप्लाई एक बारी रीड कर लें, फिर इनकी एक्शन एक बारी रीड कर लें. बाकी ये इतने ये याद नहीं रहेंगे. रीजन एंड सर्च, एंड इफ यू कैन लर्न इट यू कैन, बट इफ यू डोंट हैव द कैलिबर के ये याद रहे तो जस्ट गिव इट अ रीड और अंदाजा लगा लें कि कहाँ पे रीजन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हर जगह पे ट्यूबरकल नजर आ रहा है, तो ट्यूबरकल लिख देना, एंटीरियर पोस्टीरियर कुछ भी लिख देना. तब उस टाइम याद रखें एंटीरियर है तो सिक्लीनस, एंटीरियर ट्यूबरकल है, पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर ट्यूबरकल है. तो इस तरह इसके रीजन इंसर्शन सारे सारे याद करने की जगह कोई ना कोई पार्ट याद कर लें. इससे ये होता है कि अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप लोग ब्लैंक नहीं होते. जब आप ब्लैंक नहीं लिख छोड़ के आते हैं तो वहाँ पे वो आपको लाजमी नंबर देते हैं. एक्शन इसके इंपॉर्टेंट है तो ये बड़ी पढ़ लेने. नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद सर्वाइकल प्लेक्सस. सो सर्वाइकल प्लूरा, सो इट इज नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गिव इट अ रीड, नॉट मोर देन दैट. स्टाइलॉइड एपरेटस, यस स्टाइलॉइड एपरेटस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट द स्टाइलॉइड एपरेटस. इसकी अटैचमेंट्स आनी चाहिए, इसकी अटैचमेंट का नेम है वो आना चाहिए, और इसके अलावा स्टाइलॉइड एपरेटस में कुछ बातें लिखी हैं जो एम्ब्रियोलॉजी में, तो अगर वो इधर बिलफर्ज याद कर लेते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील. आप लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी में भी वो याद करनी है. नेक्स्ट क्लिनिकल्स, आई विल प्रेफर कि क्लिनिकल्स एटलीस्ट हर क्लिनिकल को एक रीड दें, और जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल लगते हैं आप पता लग जाता है कौन सा क्लिनिकल इम्पोर्टेंट है वो उसको अच्छी तरह कर लें, बट एटलीस्ट गिव इट अ रीड, बिकॉज हेड एंड नेक के सारे क्लिनिकल्स जो क्लिनिकली हाई यील्ड है वही ज्यादातर बीडी में प्रेजेंट है. तो ये आप लोगों ने एटलीस्ट इनको एक रीड जरूर देना है. ये हॉर्नर सिंड्रोम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हॉर्नर सिंड्रोम को अच्छी तरह करना है. ये आप लोगों ने बहुत जगह पे पढ़ा हुआ है. ट्रैकियोस्टोमी, इसके बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए.
ये आप लोगों ने काफी जगह पे पढ़ा होगा। सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं पेनफुल एनलार्जमेंट स्पाइनल रूट एक्सेसरी नर्व, यस ये आखिरी तीन, ये वाले भी इम्पोर्टेंट है, विल्कोस लिम्फ नोड, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग ये कंस्ट्रिक्शंस देख सकते हैं, नेचुरल कंस्ट्रिक्शंस ऑफ एसोफेगस, तो मैंने ये बताया कि ये आप लोग ने करनी है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 13 प्रीवर्टेब्रल रीजन, सो प्रीवर्टेब्रल रीजन में आप लोगों ने कुछ नहीं करना, प्रीवर्टेब्रल मसल गिव इट अ रीड,